नमस्कार दोस्तों, GBPL टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में जो कि रेट स्पेशल है, जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया ड्रामा को लेकर के आपके काफ़ी फीडबैक्स आ रहे थे, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपको ड्रामे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। इस वाले वीडियो में हमने स्पेशली ड्रामे को लेकर के एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि ड्रामा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से जो पॉपुलर ड्रामा है, जिनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, देखिएगा अलग अलग डेफिनेशंस है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिटरेचर द वर्ड ड्रामा डिफाइंस इट्स जॉनर और स्टाइल ऑफ राइटिंग। ड्रामा इज ए प्ले दैट कैन बी परफॉर्म फॉर थिएटर, रेडियो और इवन टेलीविजन। दिस प्लेज आर यूजुअली रिटन आउट एज ए स्क्रिप्ट और रिटन वर्जन ऑफ ए प्ले दैट इज रेडी बाई द एक्टर्स बाई नोट द ऑडियंस। तो देखिएगा, स्पेशली अगर बात करें तो ड्रामा दो पार्ट में बांटा गया है, कॉमेडी और ट्रेजेडी। किंतु इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ये ग्रीक वर्ड मीनिंग जो है टू डू और टू एक्ट है। यानी कि जो ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा और ए प्ले इज बेसिकली स्टोरी एक्टेड आउट। टू बी क्लियर गाइस, तो स्पेशली ये जो ड्रामा जो ग्रीक वर्ड से आया है उसका मतलब क्या निकलता है, टू डू और टू एक्ट। क्लियर गाइस, तो अलग अलग तरीके की डेफिनेशन हैं। स्पेशली हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। वैसे ड्रामा जो है वो चार भागों में बांटा गया है, तो हम लोग एक एक को विस्तार से देखेंगे कि कॉमेडी क्या होती है, ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है और मेलो ड्रामा क्या होता है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके एग्जाम में आने वाले सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकें। तो यहाँ पर देखिएगा दो डेफिनेशंस देखी, एक अपन ने नॉर्मल डेफिनेशन देखी, दूसरी उसमें हमने ओरिजिन वर्ड को देखा, और एक और देखिएगा जो वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिन मीनिंग वही एक्शन को रिलेट कर रहा है, और जिसका मतलब भी क्या होता है, एक्शन रेफरिंग टू ए परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज इन विच एक्टर्स एक्ट आउट द इवेंट्स एंड कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी। आप लोग ड्रामा इत्यादि थिएटर्स इत्यादि में अगर ड्रामा देखते हैं तो डेफिनेटली कि इसको ईजी वे से आप लोग समझ पाएंगे कि जो ड्रामा होता है उसके पार्ट क्या होते हैं, किस किस तरह से ड्रामा में एक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ड्रामा जो माने गए हैं इस विधा में, वो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर की बात करें तो शेक्सपियर को माना गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ड्रामे की बात करें तो स्पेशली, वैसे मैंने आपको बताया था कि दो भाग होते हैं, मगर हम इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं स्पेशली। जिसमें चार भागों की बात करें तो देखिएगा, ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, मेलो ड्रामा हो गया और ट्रेजिक कॉमेडी हो गया। अब बात यहाँ आती है कि ट्रेजेडी क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, मेलो ड्रामा क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, इनमें हमें अंतर समझना है। और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। कॉमेडी ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखांत। सो दैट ये हमारे लिए ईजी वे है इसको समझना, यानी कि दुखांत यानी कि दुख को इंडिकेट करने वाला, यानी कि ऐसी स्टोरी जिसके अंदर जिसका अंत दुख से होता है उसे दुखांत कहते हैं, यानी कि जिसमें नायक की विजय ना हो पाए, सत्य की विजय ना हो पाए। कॉमेडी का मतलब जिसका अंत सुखांत हो। अब बात करते हैं ये वाला जो एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, वो ये माना जाता है कि जब भी हम लोग ड्रामा राइटिंग करते हैं या जो ड्रामा प्ले होता है, यानी कि ड्रामा जो करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो देखिएगा, सिक्स एलिमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं, जिसके माध्यम से एक अच्छे ड्रामा को तैयार किया जाता है। लाइक थॉट हुआ, या थीम्स या आइडियाज़ हम जिसे कह सकते हैं। फिर बात करें तो एक्शन या प्लॉट की बात करें, करेक्टर्स है, लैंग्वेज है, म्यूजिक है, स्पेक्टेकल्स है, ये छः हैं वो एलिमेंट हैं, पूछा जाए एग्जाम में तो हमें याद होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें देखिएगा, ट्रेजिक कॉमेडी से अगर रिलेटेड पूछ लिया जाए तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, लाइक द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाई विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ट्रेजिक कॉमेडी का पार्ट है, द चेरी ऑर्चर्ड, एंटन चेकोव, वेटिंग फॉर गॉडबर्ट, सैमुअल बेकर, द विंटर्स टेल बाई विलियम शेक्सपियर। या कुछ नाम मैंने सजेस्ट किए, बहुत सारे नाम हैं, मगर मैंने कुछ दो चार नाम आपको सजेस्ट किए आपको समझने में आसानी हो। अगर आप ट्रेजेडी की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा देखेगा बहुत सारे लिखे हुए, हैमलेट हुआ, जूलियस सीजर हुआ, किंग लियर हुआ, मैकबेथ हुआ, ओथेलो हुआ, रोमियो एंड जूलियट, इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इनका नाम दे देगा और पूछेगा कि किस तरह का ड्रामा है। तो एट दैट मोमेंट आपको याद होना चाहिए कि कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या मेलो ड्रामा है, या ट्रेजिक कॉमेडी है। सो मैंने यहाँ पाँच सात सात एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ये आसानी रहेगी एग्जाम में, अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाएगा तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन शॉट की तरफ। देखेगा जो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है शॉट, ये कह रहा है कि द बेस्ट, अगर हम लोग कॉमेडी वालों की बात करें तो यहाँ पे देखेगा एज यू लाइक इट है, जो कॉमेडी को लेकर के लिखा हुआ है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट,
और अब बात करते हैं मेलोड्रामा क्या होता है। तो एक मेलोड्रामा क्या होता है, ड्रामेटिक और वर्क इन विच द प्लॉट विच इज टिपिकली सेंसस एंड डिजाइन टू अपील स्ट्रॉन्गली टू द इमोशन टेक प्रेसिडेंस ओवर डिटेल्स। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवालों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की वीडियो में इतना ही, तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।